हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना स्वाद दिल से। मैं आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्रम स्टिक्स यानी सैजन। सैजन को बनाने के लिए हमें स्टिक्स चाहिए है, जो कि मैंने ताज़े पेड़ से तोड़ी हैं, बताया है मैंने आपको। और हमें छीलना है इसे इस तरह से, कुछ हल्के हाथों से छीलेंगे इसे। सिर्फ ऊपर का हिस्सा हमें हल्का हल्का सा निकाल के इसे छीलना है और इसे हमें काटना भी है। मैं बताती हूँ कैसे काटेंगे। ऐसे हमें इसे काटना है, वन वन स्लाइस करके। बहुत बड़े हिस्से नहीं करने हैं, छोटी छोटी स्टिक्स काटनी है, कुछ इस तरह देख रहे हैं आप। ऐसे हमें सारी स्टिक्स ऐसे ही काट के रखना है। साइज़ आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, वैसे ज़्यादा बड़ी मत करिए वरना पकने में भी प्रॉब्लम होगी। कुछ इस साइज़ की होंगी हमारी स्टिक्स, देखिए। अब मैं इसे धोना है, जो कि मैंने इस पेड़ से तोड़ी हुई है। देखिए कितनी सारी लगी हुई है इस पेड़ पे। देखिए मैंने ड्रम स्टिक्स को अच्छे से धो लिया है, काट लिया है और इसे रख लिया है। अब हमें मसालों के लिए चाहिए है प्याज दो कटी हुई, 3 हरी मिर्च, कुछ लहसुन। हम इसका पेस्ट बनाना है अच्छे से। मसालों में हमें चाहिए है थोड़ा सा धनिया, गरम मसाला, हल्दी, 2 या 3 लाल मिर्च और जीरा। हम इसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही डालना है, इतना सा बस। आइए बनाते हैं। सबसे पहले हमें सैजन को अच्छे से फ्राई करना है, इसलिए पैन को थोड़ा सा गरम करेंगे और उसमें थोड़ा सा डालेंगे हम लोग ऑयल। थोड़ा ही से डालना ताकि फ्राई हो जाए बस। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे ड्रम स्टिक्स। देखिए ऐसे सारी ड्रम स्टिक्स में डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे, तकरीबन 5 मिनट्स के लिए। ये देखिए अब ये लगभग फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें हम अलग रख लेंगे फ्राई करने के बाद। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारी नई वीडियोस मेरी मिलती रहें। अब हम लोग कुकर को गर्म करेंगे, कुकर में ही हम लोग बनाएंगे। ऑयल डालेंगे, आपको जो डालना है आप डाल सकते हैं, रिफाइंड या मस्टर्ड ऑयल, एनीथिंग। जब ऑयल गर्म हो जा रहा है हमारा, ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे हींग। अब हींग डालने के बाद इसमें हम डालेंगे मिर्ची और लहसुन और प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट हम लोग फ्राई करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम नमक टेस्ट के अनुसार। अब इसे हम फ्राई करना है थोड़ी देर तक। ये देखिए हमारी प्याज फ्राई हो गई है अच्छे से। बस हमें ऐसी प्याज रखनी है। अब इसमें मसाला डाल देंगे हम, जो हमने सारे मसाले रखे थे उन्हें हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अब इन्हें भी हमें भूनना होगा 5 मिनट्स के लिए कम से कम। एक टमाटर इसमें डाल दें, ये ऑप्शनल है, थोड़ा खट्टापन अगर आपको पसंद हो तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं इसको। अब हमें इसे थोड़ा देर पकाना है, टमाटर भी थोड़े से पक जाए हमारे, तब तक इसे भूंजना है।
ये देखिए हमारे टमाटर भी भुंज गए अच्छे से, मसाला भी ऑयल रिलीज कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। बेसन को भी हमें पकाना है, बेसन का कच्चापन हमें ख़त्म करना होगा बिल्कुल, इसलिए तकरीबन 5 से 7 मिनट्स के लिए हमें कम से कम इसे पकाना होगा। थोड़ा सा पानी भी इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि बेसन जो है जो अच्छे से भुन सके। ये देखिए पानी डालने के बाद ये कुछ इस तरह हो जाएगा। इसे हमें धीमी आंच में थोड़ी देर तक पकाना है। ये देखिए हमारा बेसन भी लगभग भूल गया है, अच्छे से भुन चुका है। हम डालेंगे अपनी स्टिक्स सब। ये देखिए सब डल चुकी हैं, थोड़ा मिक्स करेंगे। ये स्टिक्स होती हैं इसलिए थोड़ा हम लोगों को इसको अच्छे से मिक्स करने में प्रॉब्लम होगी। ये देखिए हमने डाल दिया इसमें पानी। पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डलता है क्योंकि ये हल्का ग्रेवी वाला बनता है। हमारी स्टिक्स पूरी डिप होना चाहिए पानी में ताकि वो पकेंगी, तो थोड़ा सा पानी। ये देखिए अब हमारी स्टिक्स पूरी डिप हो गई हैं अच्छे से। अब हम इसमें प्रेशर लगाएंगे। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। कम से कम 2 या 3 विसल हमें लेना है। ओके, दिस इज़ रेडी टू सर्व। सो इन्जॉय करें इस लवली सी डिश को। इसकी अब प्लेटिंग करेंगे। अगर आपको मेरी डिश थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।